तो राम और श्याम जो है हमेशा एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, ठीक है सर। तो आप क्या करो, राम श्याम को चिपका दो, ठीक है, जोड़ दो, ठीक है सर। तो भाई पांच बाकी तीन आइटम लोग और हैं, ठीक है सर। भाई इसको कहते हैं स्ट्रिंग मेथड, है ना, स्ट्रिंग धागा बांध देना ना, लिख लो स्ट्रिंग मेथड बोल दो। जब भी कोई दो आइटम लोग को क्या है साथ रखने का है तो क्या करो, उनको बांध दो, ठीक है सर। आइटम समझ में आता ही है। तो क्या है, ये राम और श्याम को बांध दिया, ठीक है सर, ये राम और श्याम को जो है बांध दिया, ठीक है सर, ठीक है, या बोरे में बंद कर दिया, जैसा भी आप जो है इमेजिन करना चाहें, ठीक है सर। क्या हुआ होगा, राम और श्याम, उसके बाद भाई और क्या, लड्डू ले लो, पकौड़े ले लो, और और क्या भी, सैंडविच ले लेने, सैंडविच तो पहले आ चुका है, बर्गर, ठीक है बर्गर ले लेते हैं, ठीक है सर। तो भाई ये पांच चीजें जो है वो आपको अरेंज करनी है, ठीक है सर। आपने आर और एस को जो है बांध दिया, ठीक है सर। तो कुल मिला के अब आप क्या करें, अब आपके हाथ में जो चार चीज है ना, ये एक एंटिटी, ये एक और एंटिटी, ये एक और एंटिटी, चार अलग अलग एंटिटीज, तो चार अलग अलग एंटिटीज को आप चार जगह रखेंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे अरेंजमेंट, चार फैक्टुल, ठीक है सर, फोर फैक्टुल आ जाएगा। फोर फैक्टुल आर द वेज टू अरेंज दीज फोर एंटिटीज, ठीक है सर। अच्छा, परंतु जो है मान लो उनमें से मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ ना, जब आपने ये चार चीजें अरेंज की होंगी, तो इन दोनों को तो आपने चिपका रखा है, बाकी चीजें ऐसी हैं, ठीक है सर। तो एक फोटो, एक फोटो, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किस प्रकार का दिखाई देगा, आर एस एल पी बी, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, ये दोनों बने हुए, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है सर। हर एक ये जो 24 अरेंजमेंट है फोर फैक्टुल, उनमें आर एस की फोटो ऐसे तो भी ये साथ साथ हैं, ठीक है सर, या फिर क्या हो जाए एस आर आ जाए, ठीक है सर, और एल पी बी आ जाए, ठीक है सर, ठीक है, तो भी जो है वो एस आर और आर एस के साथ ही हैं, ठीक है भाई, साथ ऐसे भी हैं, साथ ऐसे भी हैं। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि बोरे के अंदर भी जो आपस में अरेंज हो सकते हैं, बेसिकली उसे कहते हैं इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है ना, लिख लो मल्टीप्लाइड बाय ना इंटरनल अरेंजमेंट, ये टू फैक्टर हो गया, दो आइटम लोग क्या दो जगह पर अरेंज करना है, इंटरनल अरेंजमेंट टू फैक्टर हो जाएगा, लिख लो भैया ना, तो आपका आंसर है फोर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टर।